हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और मॉडर्न कैसे दिखे। क्या होता है कि जो मैंने हाउस वाइफ की वीडियो बनाई थी कि परफेक्ट हाउस वाइफ कैसे बने, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो किसी ने कमेंट में मुझे बार बार लिखा कि हाउस वाइफ कैसे सुंदर ब्यूटीफुल दिखे, उसके लिए भी आप हमें कुछ टिप्स बताओ। तो मैं छोटे छोटे ट्रिक्स टिप्स आपको बताऊंगी, लेकिन ये हाउस वाइफ के लिए बहुत डेडिकेट वीडियो है। इसमें आपको मजा आएगा और आप मेरे छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स अपना के देखोगे तो आप बहुत ही अपने आप को तरोताजा, सुंदर और अट्रैक्टिव दिखोगे। क्या होता है कि कई बार जितने गेस्ट होते हैं वो बोल के तो आते नहीं, वो कैसे भी आ जाते हैं, तो हमें उस वक्त कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें फटाफट ये नहीं शर्मिंदगी महसूस होती कि अरे हम तो घर पे है तो हमें फटाफट भाग के कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। तो हमेशा ही हमें कैसे सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना है, मैं इसके विषय में आज आपसे बात करना चाहती हूँ। हमें काम करते हुए भी कैसे अपने लिए समय निकालना है और हमें कैसे ब्यूटीफुल दिखना है, वो हमें टिप्स फॉलो करनी है। जैसे कि फर्स्ट टिप है कि हम जो अपने कपड़े हैं वो कैसे चूज करें। क्या होता है कि हम दूसरे को देखते हैं, किसी नेबर को देखते हैं, यदि जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर वो सूट हो रहा है तो हम पे भी होगा। किसी को डार्क कलर पसंद है, किसी को लाइट कलर पसंद है, हमारी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करेगा हमें ये चूज करना है। तो उस कलर में जो कि हमें कम्फर्टेबल भी रहे और अच्छे भी लगे, वैसे हमें कपड़े चूज करने चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे क्लोथ पहन लेते हैं जिसपे घी के निशान लग जाते हैं, तेल के निशान लग जाते हैं, तो इस टाइप का कपड़ा ना पहन के, जैसे यदि समर है तो समर के अकॉर्डिंग हमें कलर्स चूज करने चाहिए या हमारे कलर पे जो सूट हो रहे हैं कपड़े वो पहनने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल लगे। ये नहीं कि हम दिखने में सुंदर लगे लेकिन हमें कंफर्ट नहीं लग रहे, दिखने में भी सुंदर लगे और कंफर्ट भी लगे। हमें ऐसे कपड़ों का चयन करना होता है जिससे कि हम एकदम देखते ही मिरर में देखें और लगे क्या अट्रैक्टिव लग रहे हैं हम। तो जय आपके घर में सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, उसको अच्छे से करो। जैसे कि यदि साड़ी पहनते हो तो अच्छे से पिनअप करो, यदि दुपट्टा कर रहे हो तो उसको अच्छे से रैप करके करो, तो जिससे कि हम अट्रैक्टिव दिखे। तो कपड़े पहन रहे हैं लेकिन उसका तरीका भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े प्लाजो है या वो नीचे पूरा पोचा लगा रहे हैं, एंकल लेंथ के पैंट पहनो या प्लाजो पहनो इस टाइप से कि जो आपको उठने बैठने में भी दिक्कत ना हो और फैशन में भी हो। तो सबसे पहला जो टिप है वो है हमारे को क्लोथ सही चूज करना चाहिए। एक टिप है हेयर स्टाइल, हमारे फेस पे क्या हेयर स्टाइल लग रहा है अच्छा, वो ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पफ बना लो, कभी पोनी कर लो, जैसे कि ऐसे बाल ऊपर करके क्लचर लगा के घूम रहे हैं, हमने कॉम्ब भी नहीं किया है, सुबह से इतने बिजी हैं। अरे अपने लिए सुबह सुबह टाइम निकालो, फ्रेश लगोगे पूरे के पूरे, यदि हेयर स्टाइल करोगे तो बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर लगोगे। 2 मिनट लगते हैं अपने हेयर स्टाइल करने में, जैसे कि हर महीने में थोड़ी सी ट्रिमिंग करा ली। यदि पता चलता है लेडीज 50+ हो गई, 40+ हो गई, आगे पूरे बाल व्हाइट है, उनकी केयर नहीं करती, तो बालों पे थोड़ा सा कलर कराओ या कुछ ना कुछ नया कराते रहो बालों में। तो कुछ नया करोगे तो खुद को आपको अट्रैक्टिव लगेगा, दूसरे वाले को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हाउस वाइफ तुम उसकी कीमत नहीं समझ रहे, हाउस वाइफ अपने में ही कितनी बड़ी चीज है जो पूरे घर को संभालती है, पूरे घर के लिए सब कुछ करती है। अरे तुम दुनिया के लिए कर रहे हो, पूरे घर के लिए कर रहे हो, अपने लिए तो टाइम निकालो, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और कभी कभी कुछ ना कुछ 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 चेंज करते रहो, कभी ऐसे हेयर स्टाइल, कभी खुले बाल, कभी थोड़ा सा क्लैच, अपने ही फेस पे जो सूट कर रहा है, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। एक टिप है मेंटली और फिजिकली फिट रहना। क्या होता है हम सुबह से लगे हैं जी, ब्रेकफास्ट में लग गए, फिर लंच की तैयारी में लग गए, फिर रात के डिनर में लग गए और हमने अपनी हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। मोटे हो रहे हैं तो मोटे होते ही जा रहे हैं, फिजिकली बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम मेंटल और फिजिकली ठीक रहेंगे तो हमारे ऊपर कपड़े भी सूट करेंगे। जैसे कि हमने सुबह उठ के अपने लिए पहले टाइम निकाला, मेडिटेशन तो करना ही है, मेडिटेशन करेंगे मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिजिकल अच्छा लगेगा और हमारे पर सब चीजें सूट करेगी, फेस पे ग्लो रहेगा, हर चीज अच्छी लगेगी। पता चला हम पूरे दिन लगे हुए काम करते जा रहे हैं, अपने आप को कैसे दिख रहे हैं ये देखा ही नहीं है। तो सबसे जो जरूरी इम्पोर्टेंट टिप है वो अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ का है। कितने भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे आपको 1 आवर पहले उठना पड़े, लेकिन अपने मेंटल और फिजिकली हेल्थ पे तो ध्यान दो। योगा करो, आपको वॉक अच्छी लगती है वॉक करो, आपको डांस अच्छा लगता है डांस करो, आपको गार्डनरिंग अच्छी लगती है वो करो, आपको जो अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है कि इससे हमारी उम्र भी छोटी दिखती है, हम यदि पतले लगेंगे तो हमारी उम्र छोटी लगेगी, हमें लगेंगे ही नहीं कि हम इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं और हमारे पे कपड़ा भी सूट करेगा। तो सबसे पहले जो है हमें अपने लिए टाइम निकालना है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखो।
एक ये भी होता है कि हमेशा अपने ऊपर कोई अच्छा परफ्यूम डियो यूज करो, जिससे कि हमेशा हमें खुद भी महकते हुए लगे और दूसरों को भी महकाते रहे। उससे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। हम जब भी नहाए धोए हमेशा डियो का और उसका ध्यान रखना चाहिए, परफ्यूम का। गर्मियों में पता चला हमारे पूरे स्वेटिंग होती जा रही है, पास में से स्मेल आती जा रही है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी चीजें देखनी है कि हमें हमेशा फ्रेश फ्रेश खुद से भी लगेगा और दूसरों को भी लगेगा। एक टिप है कि हमें एसेसरीज जो पहननी है वो बिल्कुल छोटे छोटे पहननी है, जैसे कि गले में छोटा सा मंगलसूत्र हो, चैन हो, या छोटे छोटे कानों में हो। क्या होता है कई लेडीज ऊपर से नीचे तक बहुत सारी चीजें पहन के बैठ जाती है, इतने लंबे लंबे हार। उससे क्या होता है कि हम स्मार्ट नहीं दिखते, अट्रेक्टिव नहीं दिखते, या इतनी सारी सारी चूड़ियां पहन लेंगी तो वो बुरा लगता है। हमें क्या करना है कि बिल्कुल एक छोटा सा हाथ में बैंगल पहनना है, जिसे हमें उतारने और उसमें भी दिक्कत ना हो, और कम कम एसेसरीज पहननी है। उससे जो हमारा लुक होगा वो मॉडर्न और स्टाइलिश लगेगा। एक टिप है कि कई लेडीज को मैंने देखा है कि पैरों में पायल पहनी होती है, बिछिए पहने होते हैं, तो उनका बिल्कुल भी सफाई का ध्यान नहीं देती, वो बिल्कुल मैले हो रहे होते हैं। उनको आप साफ सफाई करके रखो, उनको अच्छे से पहनो, तो वो भी हमारा जरूरी थोड़ी होता है कि वो फेस ही स्मार्ट दिखे। हम पूरे ओवरऑल स्मार्ट कैसे दिख रहे हैं, इन चीजों का भी लेडीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टाइम पे अपनी जितनी भी एसेसरीज हैं, जो भी आपने पायल बिछिए पहने हुए हैं, उनको बिल्कुल क्लीनलीनेस का ध्यान रखो और क्लीन करके पहनो। और घर में हमेशा नेल पेंट जो होती है वो लाइट कलर की लगाओ, या तो शाइनिंग वाली लगाओ या वैसी लगाओ, जो कि जब डार्क कलर की हम लगाते हैं, जब वो उतरती है तो बहुत गंदी लगती है। यदि आप डार्क कलर की लगा रहे हो तो समय समय पर उसको बिल्कुल रिमूव करके दोबारा लगाओ, या शाइनिंग वाले या ऐसे वाले कलर्स लगाओ जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आपने नेल्स बड़े कर रखे हैं तो उनको पूरी प्रॉपर शेप बना के, पूरा उनको नेल पेंट लगा के और अच्छे से क्लीनलीनेस से रखो, क्योंकि उसी से हम खाना बनाते हैं, तो उसकी सफाई का ध्यान रखोगे तो वो भी अच्छा लगेगा और हम उसमें अट्रैक्टिव भी लगेंगे। एक टिप है स्माइल, क्योंकि स्माइल करता हुआ फेस हमेशा अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। पता चले हम वैसे तो अच्छे कपड़े पहन लिए, हेयर स्टाइल अच्छा बना लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन हमारे फेस पे स्माइल नहीं है। फेस पे स्माइल होगी हम बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल दिखेंगे, प्यारे लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। इसलिए हमेशा अपने फेस पे स्माइल लेके रहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि औरतें कुछ नहीं करती, लेकिन औरतें जो कुछ करती हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। जो लोग बाहर जाके जॉब करती हैं लेडीज, उनसे भी ज्यादा काम हाउसवाइफ करती है। अपने हस्बैंड को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने पूरे परिवार को देखना, तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ, कि कितने काम होते हैं। उसके बीच में भी हम ऐसे टास्क रख सकते हैं कि हम कैसे स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखें। तो मेरे ये छोटे छोटे टिप्स यदि आपको पसंद आए, उनको फॉलो करो और आप भी कुछ करके दिखाओ कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं, घर में रह के, घर के काम संभाल के भी वो स्मार्ट दिख सकती हैं। तो यदि आपको ये मेरे ट्रिक्स और टिप्स पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, जिससे कि हम हाउसवाइफ दिखा सके। हम किसी से कम नहीं है, जॉब वालों से कम नहीं है, हम भी बहुत सुंदर दिख सकते हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।